गुड मॉर्निंग, इट्स मी चंचला खरे एंड टुडे माय टॉपिक इज कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के अंदर का टॉपिक लिया गया है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के घटक। संप्रेषण के घटक को ये डायग्राम के थ्रू दर्शाया गया है और ये इसके सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं संप्रेषण स्रोत कम्युनिकेशन सोर्स, सेकंड है संप्रेषण सामग्री कम्युनिकेशन मटेरियल, लास्ट है संकेतन एंड कोडिंग, नेक्स्ट है संप्रेषण कम्युनिकेशन मीडियम संदेश प्राप्तकर्ता मैसेज रिसीवर, नेक्स्ट है विसंकेतन डीकोडिंग, नेक्स्ट है अनुक्रिया रिस्पांस, नेक्स्ट प्रतिपुष्टि फीडबैक, नेक्स्ट है वातावरण एनवायरनमेंट। ये सारे संप्रेषण के घटक है। फर्स्ट देखते हैं संप्रेषण के घटक, संप्रेषण स्रोत कम्युनिकेशन सोर्स। जिस व्यक्ति से विचारों के आदान प्रदान की शुरुआत की जाती है, अर्थात जो व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है, संप्रेषण स्रोत कहलाता है। संप्रेषण स्रोत में मैसेज कहाँ से जनरेट होता है, वो व्यक्ति से होता है या कहीं और से जो भी मैसेज है वो जनरेट हो सकता है, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन सोर्स कहलाता है। मतलब जो मैसेज है वो कहाँ से शुरुआत हो रही है उसकी, वो कम्युनिकेशन सोर्स कहलाएगा। नेक्स्ट है संप्रेषण सामग्री कम्युनिकेशन मटेरियल, वह विचार या संदेश जिसे प्रेषित किया जाता है, कोई भी मैसेज जिसे जनरेट किया जाता है वो कहलाता है संप्रेषण सामग्री या कम्युनिकेशन मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट है संकेतन एंड कोडिंग। एंड कोडिंग संकेतीकरण की प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है, यह संकेत एंड कोड कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रेषण माध्यम कम्युनिकेशन मीडियम। तो जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है वो विभिन्न तरह के मीडियम से की जाती है, जैसे है जिनकी सहायता से संदेश सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है वो मीडियम्स कहलाते हैं। तो ये संप्रेषण माध्यम या कम्युनिकेशन मीडियम कहलाता है। ये मीडियम इस प्रकार हो सकते हैं, ये मीडियम वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स क्या है, शाब्दिक, जिसमें वर्ड्स का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे हम मैसेज भेजते हैं, ईमेल, पत्र पत्र क्या है इत्यादि, इसमें ये शाब्दिक संप्रेषण है। और नॉन वर्बल अशाब्दिक, जिसमें चिन्हों संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कम्युनिकेशन विभिन्न प्रकार के मीडियम के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैसेज रिसीवर, स्रोत द्वारा प्रेषित संदेश को ग्रहण करने वाला संदेश प्राप्तकर्ता कहलाता है। मीन्स सेंडर जो मैसेज जनरेट करता है, जो सेंडर जो मैसेज देता है वो रिसीवर तक पहुँचता है, वो मैसेज रिसीवर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विसंकेतन डीकोडिंग। डीकोडिंग का अर्थ उस एंड कोड को, जो पहले एंड कोड पढ़ा था, उस एंड कोड को पढ़ना एवं अर्थ निकालना होता है। प्रत्येक एंड कोड को डीकोड करना आवश्यक होता है। जब तक हम एंड कोड या संकेत को डीकोड नहीं करेंगे, हम उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। सच एज एग्जाम्पल, जैसे चीनी में बोलना और लिखना, यह चीनी की एनकोड है। जैसे कोई मैसेज हमको मिलता है वो जैसे चीनी में है या कोई और दूसरी भाषा में है, तो वो एनकोड है। जो हमारे पास जो मैसेज आया वो अदर लैंग्वेज या जो भी लैंग्वेज है, वो हमारा क्या है, एनकोड है। जब तक हम उस मैसेज को पढ़ेंगे, पढ़ना मीन्स क्या होता है, डीकोड। जब हम उस मैसेज को पढ़ पाएंगे तभी हम उसकी डीकोड कर पाएंगे, और उसकी डीकोडिंग वही कर सकता है जो चीनी समझ सकता है। जैसे हमारे पास आया चीनी में कोई मैसेज आया, तो हम उसको डीकोड तब कर पाएंगे जब हमें चीनी भाषा आती होगी, तभी हम उस मैसेज को पढ़ पाएंगे, उसको डीकोड कर पाएंगे। अगर हमें वो लैंग्वेज नहीं आ पाती तो हम उसको डीकोड नहीं कर पाएंगे और वो मैसेज हम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस प्रकार क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर उत्पन्न हो सकता है। फिर नेक्स्ट है अनुक्रिया या रिस्पॉन्स। संदेश स्रोत द्वारा भेजे गए संदेश पर प्राप्तकर्ता के द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स कहलाती है। जैसे सेंडर ने मैसेज भेज दिया और रिसीवर को ग्रहण कर लिया, तो अगर जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंच गया, तो रिसीवर को क्या होता है, उसका रिस्पॉन्स देना पड़ता है कि हमें मैसेज वो मिला है कि नहीं मिला है, तो वो रिस्पॉन्स कहलाती है। नेक्स्ट है फीडबैक प्रतिपुष्टि।
प्रत्येक संप्रेषण में फीडबैक का होना आवश्यक है। फीडबैक से संप्रेषण की सरलता का ज्ञान होता है। फीडबैक दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण या इन्वायरमेंट। प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण किसी न किसी वातावरण में ही संभव होता है।